नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी एक नई सीरीज़ नी पेन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं नी पेन के साथ, तो हम इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो दोस्तों, हमारे पास नी पेन के यंग लोग, ओल्ड एज पेशेंट, बच्चे, हर तरह के पेशेंट आते हैं। बच्चों में जो नी पेन, ये यूजली थोड़ी ग्रोथ प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, जिसे हम ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। खास करके जो टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है, इसकी इन्फ्लेमेशन के वजह से यहाँ पे थोड़ी पेन होती है। खास करके ऐसे बच्चे जो ज़्यादा दौड़ते भागते हैं, उनको ये हो सकती है। इसे यूजली हम लोग ऑस्टियोशेल्टर डिजीज़ बोलते हैं। इसमें यूजली थोड़ी रेस्ट करने से चीज़ें बेटर हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आपके घुटने में दर्द होती है, हम सबसे पहले ओल्ड एज में यूजली इवेल्यूएट करते हैं कि दर्द हुई किस कारण से है, और फिर फर्दर हम इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। सबसे पहला इसमें इन्वेस्टिगेशन आता है दोस्तों एक्सरे का। एक्सरे यूजली स्टैंडिंग एक्सरे इसमें बहुत कारगर होती है, ये देखने में कि आपकी जॉइंट स्पेस रिडक्शन हुई है और कितनी रिडक्शन हुई है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपार्टमेंट। तो दोस्तों, इसमें एक्सरे के बाद हम इस पर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये आर्थराइटिस किस ग्रेड की है। यूजली इसमें चार ग्रेड होते हैं दोस्तों। सबसे पहला ग्रेड 1। ग्रेड 1 में हल्की सी स्पेस रिडक्शन होती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ऑस्टियोफाइट्स साइड में जो हड्डी बढ़ जाती है, हल्की फुल्की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ग्रेड 2 में दोस्तों थोड़ी सिग्निफिकेंट स्पेस रिडक्शन होती है एंड साइड की ऑस्टियोफाइट थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। ग्रेड 3 में अगेन ज़्यादा स्पेस रिडक्शन होती है, साइड की ऑस्टियोफाइट्स ज़्यादा बड़े दिखते हैं। और ग्रेड 4 में दोस्तों बीच में जॉइंट स्पेस बिल्कुल भी नहीं दिखती, सिवियरली डिस्ट्रॉयड जॉइंट लगती है और ऑस्टियोफाइट्स काफ़ी बड़े बड़े दिखते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें ग्रेडिंग के बेसिस आगे ट्रीटमेंट होती है। यूजली ग्रेड 1, ग्रेड 2, इसमें कंजर्वेटिव मेजर्स विथ रिस्पेक्ट टू सम मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज एंड सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके चीज़ें बेटर होने की संभावना होती है। एंड ग्रेड 3, ग्रेड 4 में दोस्तों यूजली कई बार इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी ऑल अबाउट अ बिट अबाउट नी पेन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।